हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरु, द गुरु ऑफ इंग्लिश ग्रामर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी को पता है, सीजीएल 2017 के पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ, जिसमें आज हम आपको एनालिसिस देने जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए, वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, और ये जानने आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आपको आगे वाले आने वाले टाइम में एग्जाम देना है कि किस तरह के क्वेश्चन। चूंकि ये फर्स्ट टाइम था आपका, ऑनलाइन पेपर हुआ, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बता सकता है, क्योंकि बेस्ड ऑन मेमोरी कुछ आप बता सकते हैं, बट उस तरह से कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। जो आपकी प्रिपरेशन जिस तरीके से चल रही है, उसे आप कंटिन्यू करिए और देखिए जरा किस तरह के क्वेश्चन आपको, कौन कौन से सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। तो चलिए, जैसा हमने लिखा है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आपके तीन थे जो कि इजी थे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन तीन थे जो कि आपके इजी थे, ज्यादा और डिफिकल्ट वाला नहीं था, ज्यादा डिफिकल्टी लेवल उसका नहीं था। इसी तरीके से अगर एरर डिटेक्शन में चले तो 3-4 मॉडरेट था, इट मींस ना इजी ना डिफिकल्ट था, बीच वाला था, जो कि कुछ लोग को परेशानी हुई, बाकी सभी लोग इसको अच्छे से कर लिए होंगे। इडियम एंड फ्रेजेस की बात करते तो ये भी आपके तीन क्वेश्चन थे जो कि आपके डिफिकल्ट थे, थोड़े से डिफिकल्ट थे, जो कि स्टूडेंट्स, जो भी हमारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जो आपको हमें बताया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एंटोनिम्स सिनोनिम्स की बात करते ये भी डिफिकल्ट थे, थोड़े नए वर्ड आ गए, कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड आ गए जो कि स्टूडेंट्स को याद नहीं थे, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, लेकिन चूंकि वो फर्स्ट टाइम नजर आया तो वो आपके डिफिकल्ट के सेक्शन में आ गया। क्लोज टेस्ट की बात करें, देखिए यहाँ पे क्लोज टेस्ट आया है और आपके पैसेज नहीं आया, क्योंकि कहा गया था कि या तो पैसेज आएगा या क्लोज टेस्ट आएगा, दोनों में से कोई आया गया। लेकिन आप ये नहीं कि छोड़ देंगे क्लोज टेस्ट का ही, सिर्फ हम प्रिपरेशन अब शुरू कर दें, तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। शायद अगले वाले में आपको पैसेज दे दिया जाए, अगर इस वाले में क्लोज टेस्ट दिया है तो। आगे चले देखे, पैरा एग्जाम्पल इजी टू मॉडरेट था, ज्यादा डिफिकल्ट ये भी नहीं था। आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये भी थोड़े से डिफिकल्ट थे। मैं देखता हूँ एक आध क्वेश्चन मुझे जो बताया गया मैं आपको बताता हूँ। स्पेलिंग चेक की बात करें तो ये इजी था, ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड आपको यहाँ पे स्पेलिंग चेक के लिए नहीं दिया गया था। ये थे आपके एग्जाम से नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उसके डिफिकल्टी लेवल की, किस तरह का डिफिकल्टी उसका। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जैसा देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन मैं एक दो क्वेश्चन लिखा हूँ, जो क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल टायर वन में आपको पूछा गया है। जैसे ऑपुलेंट, इसका मतलब होता है रिच, एंड ग्रोट्स्की, इसका मतलब होता है विचित्र, तो इसके साइनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे गए थे। कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डूर्स, ए आपकी इडियम्स थे, जिसका मतलब होता है कि जो भी है उसी में गुजारा करना, काम चलाना। एंड वन विच कैनोट बी करेक्टेड, दैट इज इनकॉरिजिबल, सबको पता होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो कि आई थिंक इजी टू मॉडरेट में आप रखिएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे थे। पेशेंस रखिए और आराम से जिस तरह से प्रैक्टिस आपका कंटिन्यू चल रहा है, वैसे ही कंटिन्यू से करते रहे। और मैं इन फ्यूचर जल्दी से जल्दी आपके मेंस के लिए सारे वीडियो लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आते हम लोग जल्दी से जल्दी नए नए वीडियो लेकर के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।